अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया के एपिसोड नंबर 70 के बारे में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा और इस ड्रामे का एंड क्या होगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि रिशान ने अब सिराज के साथ मिलकर वकास को अपनी ज़िंदगी से निकालने का और उससे खुला लेने का फ़ैसला कर चुकी है, इसलिए वो वकास की कोई भी बात नहीं सुनती और वकास को मुसलसल नज़रअंदाज करती है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि वकास, जो कि रोशानी का मुसलसल ये रवैया देखकर अब भुगता चुका है, वो रोशानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। रोशानी की वालिदा को घर आकर धमकी लगाते हुए कहता है, आपकी और आपकी बेटी की सारी असलियत पता है मुझे, जद्दी पुश्ती रईस नहीं थे आप, ये दौलत और ये ऐशोआराम जिस तरह से आपने हासिल की है ये सब मालूम है मुझे। वकास की ये बात सुनकर रोशानी की वालिदा थोड़ा घबरा जाती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि जब रोशानी घर आती है तो उसकी वालिदा ये तमाम माजरा रोशानी को बताती है, जिसके बाद तो रोशानी को वकास पर मज़ीद गुस्सा आ जाता है और रोशानी वकास को अपने बेडरूम से भी निकाल देती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि वकास डिटाई का मुजाहरा करते हुए रोशानी के पास आता है और उससे कहता है, क्या मैं अपने बेडरूम में वापस आ सकता हूँ। इस पर रोशानी वकास को दो टोक जवाब देते हुए कहती है, हरगिज़ नहीं, जहाँ खड़े हो वहीं रहो, और अगर वो जगह पसंद नहीं है तो अपना सामान उठाओ और अपने बाप के घर चले जाओ। इसके बाद आप देखेंगे कि वकास गुस्से से यहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखेंगे कि अम्मार रमशा को लेकर अपने घर आता है। जब रमशा और अम्मार घर के अंदर दाखिल होने लगते हैं, रजिया आगे खड़ी होती है और इनसे कहती है, तुम क्या करने आ रहे हो यहाँ। जिस पर अम्मार इनसे कहता है, क्या मैं अपने बाप के घर नहीं आ सकता, तो जवाब में रजिया आपा इनसे कहती है, तुम्हें आने से मना नहीं कर सकती, लेकिन ये साथ नहीं आ सकती। इस पर पास खड़ी रमशा कहती है, आपसे इजाज़त ले भी कौन रहा है। यहाँ पर अम्मार रमशा की साइड लेते हुए कहता है, आपा हम यहाँ पर कोई झगड़ा करने नहीं आए। इस पर रजिया आपा वकास को कहती हैं, तुम हमेशा बीवी के चमचे ही रहोगे, कितनी दफ़ा तुम्हें समझा चुकी हूँ कि ये औरत तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट है, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि रमशा और अम्मार यहाँ से नहीं जाएंगे और आखिरकार रजिया को अपनी बात से हटना ही पड़ेगा। लेकिन इधर आकर जब रमशा को नायला के बारे पता चलता है, तो वो फ़ौरन नायला से मुलाकात करती है। नायला से उसका हाल अहवाल पूछती है, जिस पर आप देखेंगे कि नायला रमशा को अपने दुख सुनाते हुए कहती है, मैंने जो कुछ भी किया वकास की मोहब्बत ने किया, मुझे तो अब खुद पर हैरत होती है कि मैंने कैसे वकास जैसे खुदगर इंसान से इतनी मोहब्बत कर ली। जिस पर आप देखेंगे कि रमशा नायला को हौसला देती है और समझाने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ वकास, जो कि अब रोशानी के निकालने पर अपने बाप के घर वापस आ चुका है, वो तो जब घर पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे खुला कर नोटिस पहुँच जाता है। वकास जब नोटिस देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस पर वकास का वालिद उससे पूछता है कि क्या है, तो जवाब में वकास घबराते हुए उनसे कहता है, खुला का नोटिस है। वकास के मुंह से ये बात सुनकर यहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं और उनका मुंह हैरत से खुला का खुला रह जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या अब नायला को भी वकास से खुला ले लेना चाहिए या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटे के निशान को दबा दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।